अपने पाकिस्तानी रियल इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की वीडियो होने लगी है। जैसे कि पता है कल काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उधर मोदी जी ने यार मतलब फिर से एक मैं कहता हूँ बेस्ट किस्म के प्राइम मिनिस्टर होने का वो हक अदा किया है। क्या हुआ मतलब उनके अंदर कोई प्राइड नहीं है और उन्होंने लेबर्स के साथ जाके कल लंच किया है, उसके बारे में वीडियो है। और वीडियो का जो टाइटल है, जिस श्रमिक को पीएम मोदी के साथ भोजन करने का मौका मिला उसे सुनिए। श्रमिक मतलब लेबर मजदूर को जिस मौका मिला उसको मतलब सुनिए, उसने मतलब मोदी जी के बारे में क्या बोला है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। सारा पहले वीडियो देखेंगे तो आप सही से आइडिया होगा। भाई ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये मोदी जी शुरू से भाई लेबर की बहुत इज्जत करते हैं, मतलब ये इनके पेपर है जिन्होंने इधर काम किया। तो हाँ भाई वही है ना। वाह, वो योगी जी भी बैठे हैं साथ खाना खा रहे हैं। देखो भाई ये मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ यार, चेक करो भाई। काशी की ये वो कर्मयोगी हैं जिनके बिना इस भव्य दिव्य अद्भुत और अलौकिक कॉरिडोर का निर्माण संभव ही नहीं था। काशी के कॉरिडोर के ये वो शिल्पी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके काशी का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। ये मजदूर सारे जनों वर्क किए। ये वो श्रमिक है जिन्होंने कोरोना काल में जीवन की परवाह किए बगैर भी काशी का काम जारी रखा और कॉरिडोर को समय की सीमा में पूरा किया। ये अगर न होते तो शायद ये कॉरिडोर आज इतना भव्य तैयार न होता। इसलिए इन श्रमिकों के श्रम का देश के पीएम ने पुष्प वर्षा कर सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। इसके बाद इन श्रमिकों को जब पीएम मोदी के साथ तस्वीर खींचने का मौका मिला तो आप प्रशासन ने जो इंतजाम कर रखे थे वो श्रमिकों और पीएम मोदी के बीच दूरी और भेदभाव पैदा करने वाले थे। पीएम ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर एक झटके में उस दूरी को मिटा दिया और कुर्सी फेंक कर उसी दरी पर कुर्सी रखी हुई थी ना बीच में बैठ गए, दूरी को भी दूर कर दिया जो श्रमिकों को उनसे अलग कर रही थी। यार मानना पड़ेगा गाइस, सीरियसली मानना पड़ेगा। ये देखो भाई ऐसे कौन करता है यार। वो कितने मतलब खुश हुए जब उनको मिलाया। इसके बाद मौका आया उनके साथ भोजन का और पीएम मोदी और सीएम योगी ने जब इन श्रमिकों के साथ भोजन किया तो वो पल देखने लायक था। सही में मैं आज फैन हो गया यार, ये जो मतलब किया ना इन्होंने कोई नहीं करता। मैंने नहीं देखा ये पल इन श्रमिकों के लिए उस मेहनताने से कई लाख गुना अनमोल था जो उन्हें इस काम के लिए मिला होगा। ये असल में इनके श्रम का सम्मान था कि सूबे के सीएम और देश के पीएम इनके साथ एक ही पंगत में बैठकर बिना दूरी बिना भेदभाव के भोजन कर रहे थे। बताइए प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खाया कैसा लगा? देश के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। हाँ। क्या क्या बातें हुई आपकी उनसे? हम लोग कहे प्रधानमंत्री जी शाबाशी दिए कि आप लोग इतना मेहनत करके इतना ही कॉरिडोर के मतलब बनाए, इसी में हम लोग इतना खुश है कि मतलब मत कहिए। और क्या बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को? और हम कैसे बनेंगे। कितने लोग थे आप सब, कैसा लगा वहाँ पे माहौल? बहुत अच्छा लगा। हम लोग घर फूल के बारिश किए प्रधानमंत्री जी। क्या क्या खाया आप लोगों ने वहाँ? वो 8 आइटम था खाना। तो सुना आपने, ये श्रमिक कितने गदगद हैं, अभिभूत हैं। 225 श्रमिकों का ये जो सम्मान हुआ है वो न सिर्फ इतिहास है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश कि श्रम की साधना का भी सम्मान हो सकता है अगर उसका आदर करने वाला हो तो। बनारस से वीके न्यूज की रिपोर्ट। यार ये वाला जो मोमेंट था ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता कितना ये ब्यूटीफुल मोमेंट था। मैं आपको बता नहीं सकता कितना प्यारा मंदिर बना भाई, यार जबरदस्त यार। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार मैं सीरियसली वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूं इसके बारे में यार।
पीएम मोदी, एक पीएम के अंदर जो प्राइड होता है ना, मतलब वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को नहीं समझते कि मैं भाई इतना बड़ा मेरा रैंक है, मैं मतलब कितने लोग होते हैं मतलब जो जिनके पास एक सक्सेस उनको मिले ना भाई, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने लोग दुनिया में है इस तरह, आपको राह चलते आपको लोगों को दिख जाएंगे जो लोग इस तरह, जिनके पास थोड़ा पैसा आया वो बदल गए। इधर देखो मोदी जी भाई, पहले एक हमने वीडियो देखी थी उस दिन पिछले दिनों, जिसमें वो पांव धो रहे थे, ठीक है, मजदूरों के, और आज देखो उनके साथ बिठा के उनके ऊपर, पहले उनको बिठाया फूल, फिर उसके ऊपर फूल फेंके, ठीक है, एक एक फूल फेंके। अच्छा, उसके बाद उनको थपकियां दी और जिसको आगे कुर्सी रखी हुई थी उनको हटा दिया, खुद कुर्सी को इस तरह हटा के फेंका और जाके दरबार में बैठे, कहते आओ, वो कैसे सारे आए, तो वो मूवमेंट था ना भाई, जो वो बहुत कमाल का था। उसके बाद देखो उन्होंने खाना खाया, योगी जी ने भी, मोदी जी ने भी, उसके बाद वो इतने खुश थे, मतलब उन्होंने उनको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम बैठकर इनके साथ खाना खाएंगे। बिल्कुल यार, ये चीज ऐसी होती है ना, अगर आप किसी मजदूर के साथ इस तरह मतलब अच्छा बर्ताव करोगे, व्यवहार मतलब जिसको कहते हैं अच्छा, कितना खुश थे वो मजदूर, कितने ज्यादा खुश थे। और इससे एक और बात पैदा होती है, वो ये कि अगर देखो पीएम ने और सीएम ने उनके साथ बैठकर खाना खाया, पिक्चर खिंचवाई उनके साथ, उनके ऊपर फूल फेंके, ये किसी और जगह पे भी काम करने जाएंगे तो दिल से करेंगे, आपको मतलब उनको इतना ज्यादा। आपने वो देखा भाई, इसमें एक रिपोर्टर ने बात की है कि ये वाली जो चीज थी ना इज्जत, ये उनकी जो उनको उज्रत जो पैसे मिले थे ना, उससे ज्यादा थी, ये उससे हजार गुना ज्यादा थी, उसमें कोई शक नहीं है। हर इंसान यार, ये गाइस आप लोग पैसा देखो आने जाने की चीज है, इज्जत एक बार आती है, बिल्कुल, अगर इंसान को इज्जत मिल जाए बेशक पैसा लाखों है, जो इज्जत से खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं मिलती। बाज लोग देखो पैसा उनके पास बहुत ज्यादा होता है, इज्जत नहीं होती, लेकिन इज्जत नहीं होती, लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं लेकिन इज्जत उनके पास, मतलब उनको इतनी इज्जत मिलती है, क्या वो दूसरों के काम आते हैं। मोदी जी ने इनको इज्जत दी, मैं कहता हूँ इनका सीना चौड़ा हो गया होगा, इनके जो वर्क इन्होंने हार्ड वर्क किया उधर, वो सारा देखो यार, देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना में लगे रहे, और वाकई कोरोना उस टाइम इतना इंडिया में फैला हुआ था कि मतलब जान एक दो साल तो जाहिर बात है लगे होंगे, मतलब लगे लाजमी बात है, जान लगे है ना सारा यार। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि यार एक जो है ना, एक इस जगह पे जाकर काम करना, लेकिन यार इनका हक बनता है वाकई में जिस तरह पीएम ने किया है, क्योंकि जिस तरह ये लोग काम करते हैं और जिस तरह ये इनका हक बनता है, कोई भी हो कहीं भी हो। यार पीएम मोदी ने भी सही बात है, दिल जीत लिया, और योगी जी ने भी। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।